सभी साथियों को नमस्कार। आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे और ट्रैवल कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। बाकी ये मुक्तिनाथ से वापस आने का एक छोटा सा वीडियो है। ये शॉप मैम यहाँ चलाती हैं, बड़ी अच्छी लोग होते हैं, मतलब पहाड़ों में ना हंसमुख एकदम, आपका मतलब एनर्जी लेवल बढ़ा दें और पॉजिटिविटी भर दें आपके अंदर, ऐसे लोग हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के साथ ये ज़िंदगी बिताते हैं। तो कभी आप उधर जाएँ तो इनका सामान, इनके यहाँ गर्म कपड़े वगैरह मिलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ एक विलेज के अंदर जिसका कि जो नाम है वो है झारकोट। ये करीब 3600 अल्टीट्यूड पर ये विलेज है। जिस समय मैं गया था वो अप्रैल का महीना था, बहुत गर्मी थी नीचे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो बहुत सर्दी थी। तो मैं अनुमान लगा रहा था कि सर्दियों में कितना ठंडा रहता होगा। ये कुछ गाँव में एक दो गाय मेरे को दिखी जो मैं कन्फ्यूज था कि ये याक फीमेल है या क्या है, क्या है? कोई दिख गाँव में कोई नहीं दिखा तो किसी से पूछ भी नहीं सका। पुरानी मोनेस्ट्रीज बनी हुई हैं, पुराने घर बने हुए हैं और बड़े ही बेसिक तरीके से इन्होंने अपने घरों को बनाया हुआ है, जो कि इनका जो सर्वाइव करने का तरीका है। क्योंकि जब सर्दी यहाँ पड़ती होगी ना तो एक नेक्स्ट लेवल की सर्दी यहाँ पड़ती होगी, और उससे बचने के लिए ये जो पुरानी जो टेक्निक है, जो मिट्टी के घर बनाना और चौड़ी दीवारें बनाना, मेरे ख्याल से वही सक्षम, वही कारगर होगी। बाकी तो मुश्किल हो जाएगा हम जैसे लोगों के लिए वहाँ सर्दी में रहना। ये एक मॉनेस्ट्री है बहुत पुरानी, वहाँ पर छोटा सा मैंने कहा एक टूर करके देखता हूँ। जल्दी में थे हम थोड़ा, क्योंकि हमको वापस तातोपानी पहुँचना था, लेकिन कभी कभी रोड से अलग हटके भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये झारकोट विलेज है मुक्तिनाथ टेम्पल से थोड़ा सा पहले। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो वैसे ही आप वॉक भी कर लेंगे इसमें तो आपको अच्छा लगेगा। बड़ी ही बेसिक्स सी जिंदगी ये लोग यहाँ जीते हैं और बहुत सुकून वाली ज़िंदगी भी है। बाकी जो आप देख रहे हैं ना लकड़ियाँ, ज़्यादातर लोगों के घर पे आपको दो चीज़ मिलेंगी जिसका ये जिसको ये पूरी साल इकट्ठा करते हैं सर्दी के मौसम के लिए। बाकी जर्मन बेकरी है अंदर, देखिए कॉफ़ी शॉप है और छोटे छोटे होटल भी हैं, आप जाकर के वहाँ रुक सकते हैं। तो मैं कह रहा था लकड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं और भूसा उनके जानवरों के लिए। ये देखिए लकड़ियों को कैसा अंबार लगा हुआ है। तो जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता, जो इन्होंने जमा करके रखा हुआ है उसी से ये अपना काम चलाते हैं। एक बड़ा ही छोटा सा विलेज झारकोट, 3500 अल्टीट्यूड पर मुस्तैंग वैली के अंदर। तो आप जाएँ ज़रूर मिलिएगा, देखिएगा, सॉरी अच्छा लगेगा आपको एक पुराना गाँव देख करके। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं वापस निकल गया, क्योंकि मुझे सेम डे में वापस तातोपानी पहुँचना था। एक छोटी सी वीडियो छोटे से विलेज की बिल्कुल अलग जगह पर। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मुस्तैंग की या किसी और जगह की। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर देना अगर पहली बार आए तो। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।